एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा, और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं तो 24 में इनका जाना तय है, क्योंकि इनके पास महंगाई का सवाल जवाब नहीं है। क्या ये बताएंगे रिफाइंड तेल की कीमत क्या है, डीजल पेट्रोल और सामग्री, और वहीं का वही किसान को जो एमएसपी मिलनी चाहिए, आलू का क्या सरकार ने खरीद की? विधानसभा में सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बताओ कितना आलू खरीदा? इनके केंद्रों पे गेहूं नहीं पहुंचा, प्राइवेट कंपनियां गेहूं खरीद ले गई, और शहरों में आटे की कीमत क्या है? तो इस तरह ये सरकार ने किसी भी फसल का एमएसपी नहीं तय किया। जो सनफ्लावर है इस हिस्से में है नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से में उत्तर प्रदेश में क्या एमएसपी दे पा रहे हैं, सरसों की एमएसपी क्या दे पा रहे हैं? तो ये सरकार जो किसानों को लाभ नहीं दे पा रही, वो सपना दिखा रही थी किसानों की आय दोगुनी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।